अचार तो सभी कोई बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा अचार शायद मीना जी ही बनाते हैं। रसोई मीना की चैनल पर आपको मिलेंगे। ये है शीशा का जार। जब भी अचार, कोई भी चीज का अचार बनाए तो कांच के जार में रखे, एयर टाइट भैया में। और ये करीब करीब 3 साल 4 साल आप चला सकते हैं, अगर मेरे हिसाब से बनाइएगा तो। इसी तरह से देखिए, इसमें हम जार में रखते जाएंगे और ये अचार सालों साल हाजमा पचाते हैं, बाल में भी बचाते हैं, बहुत ही टेस्टी अचार होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो यहाँ पे हम ले लिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम लेंगे ये 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम हम साथ में सबसे पहले भूनेंगे मंगरेला। ये दोनों को पहले हम भून लेते हैं चटकने तक। तो आप इनका आवाज सुन सकते हैं फ्रेंड्स, अगर सुन सकते हैं तो देखिए चटक रहे हैं और उछल भी रहे हैं। तो अब हम इनको इस स्टेज पर निकाल लेते हैं, गैस को ऑफ करके एक बर्तन में रख लेंगे। फिर से हम गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पे ले लेते हैं सौंफ 50 ग्राम, सब मेजरिंग कप से लिया हुआ है। 50 ग्राम जीरा, इनको भी हम भूनेंगे एक साथ। कभी मत मतलब सारे मसालों को भूनिएगा वरना दिक्कत हो जाएगा। मोटा मसाला भूनेंगे नहीं, और जो छोटे छोटे मसाला है वो भून जाएंगे, जल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इनको एक साइड में ठंडा होने दे रहे हैं, तब ये भी चटकने लगे हैं। आवाज सुनिए, सुन रहे हैं? यहाँ पर हम काली मिर्च 25 ग्राम लेंगे, साथ में थोड़ा सा खाली गरम करेंगे इनको, और इनको भी बस 1 मिनट चलाएंगे। तो अब हम इनको भी पलट लेते हैं उसी बर्तन में एक साइड। फिर से हम गैस को ऑन करेंगे और इनमें लेंगे हम मसाला। यहाँ पे 50 ग्राम पीला सरसों और 50 ग्राम हम लेंगे काली सरसों, इनको भी हम भून लेते हैं। यहाँ पे राई सरसों दोनों ही चटक गए हैं। फिर से हम गैस को ऑफ करेंगे और इनको बहुत ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं कुछ, तो इनको भी पलट लेते हैं हम। अब फिर से हम कढ़ाई को रखेंगे। अब कढ़ाई में गैस ऑन करके लेंगे हम 50 ग्राम साबुत धनिया, इनको भी भूनेंगे। इनके साथ साथ हम सूखा मिर्च 50 ग्राम, अपने तीखा अनुसार लीजिएगा। सूखा मिर्च सबसे लास्ट में भूनिएगा, बस ज्यादा नहीं भूनना है। साथ में दोनों को भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। गैस को ऑफ कर देते हैं, ये भी भून गए हैं अच्छे से। थोड़ा सा चला दीजिए इनको, देखिए काफी धुआं निकल रहा है इनमें से। तो इनको भी हम थाली में पलट लेते हैं। अब सबको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। सब हो गए हैं ठंडा हो रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर 50 ग्राम के करीब अदरक भून ले रहे हैं। थोड़ा सा भून लेते हैं इनको। तो अब हम अदरक को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे काफी मसाला ठंडा हो गए हैं, और जो मसाला अलग भूने थे तो देखिए यहाँ पर रख लिए। आपको एक चीज बता दे, ये मसाला को आप कभी पीसिएगा मत, मेथी या मंगरेला है तो बताएंगे बाद में वीडियो के लास्ट में कि क्यों नहीं पीसना चाहिए उसको। तो चलिए यहाँ पे देखिए, नए बिगनर है तो आप हाथ से मत छूइएगा, ग्लव्स पहन लीजिएगा, नहीं तो चमचे से निकालिएगा इस तरह से पीसने के लिए। और हाँ, बारीकी नहीं पीसना है आपको। अब हम मिक्सी जार में मसाला को ले लेते हैं, इसी तरह से ले लेंगे। यहाँ पर सभी मसाला को हम ले लिए हैं और रुक रुक के पीसना है दरदरा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मसाला पीस गए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक नहीं है, एकदम दरदरा कुछ इस तरह से देखिए। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर आंवला को। आंवला लेने के बाद सबसे पहले लेंगे जो ड्राई खड़ा मसाला है ना, इनको तो इस तरह से आपको सभी जगह फैला देना है, देखिए इस तरह से फैलाना है। और उसके बाद हम लेंगे इनमें, क्योंकि हल्दी नमक इनमें है, तो 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लेंगे। और अब हम लेंगे यहाँ सबसे पहले नमक, थोड़ा सा और नमक चाहिए क्योंकि अचार नमक से ही बनते हैं। तो 2 चम्मच के करीब सफेद नमक, 2 चम्मच ही थे ले लिए हम। और यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे हम काला नमक। काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा लगते हैं और पाचन क्रिया में भी बहुत काम आते हैं। अब हम ले लेते हैं मसाला। अब मसाला लेने के बाद आपको क्या करना है कि अपने अचार के अनुसार, जितना आपका अचार है आंवला का उस हिसाब से तेल लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 लीटर तेल को हम खौला करके ठंडा किए, यानी कि अभी हल्का गुनगुना है। तो अब बस तेल ले लेते हैं, यहाँ पर सावधानी से लीजिएगा। अगर नए बिगिनर है तो तेल को पूरा ठंडा कर लीजिएगा। तो हम पूरा 1 लीटर तेल लिए हैं, घबराए नहीं कि पूरा तेल ज्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि हो सकता है तो बाद में तेल इनमें और पड़ेंगे। अब हम सबको मिला लेते हैं। तो अभी लगेगा आपको कि बहुत तेल है, तो यहाँ पे तेल ज्यादा नहीं है, उस हिसाब से कम है तेल। 5 किलो वाला के हिसाब से 1 किलो तेल कम है। सालों साल चलाना है तो बताएंगे वीडियो के अंत में कि आपको कैसे तेल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मिला लेते हैं इनको अच्छे से। यहाँ पर सभी मसाला को हम अच्छे से मिला लिए हैं। अभी आपको कुछ भी कलर नहीं दिखाई पड़ेंगे,
जैसे जैसे ये पकेंगे वैसे वैसे ये कलर दिखाई पड़ेंगे, तेल सारा पिएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, जितना बड़ा थे उतना से दुगना हो जाएंगे ये फ्रेंड्स। ये साल भर रखा जाता है, साल से 2 साल रख सकते हैं, जितना पुराना उतना बढ़िया अचार बनकर तैयार हो गया। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उससे पहले बता दे कि मोटा मसाला क्यों नहीं पीसना चाहिए, मेथी और कलौंजी। अगर मेथी या कलौंजी पीस करके हम डाल देते हैं तो अचार हमारा तीता हो जाएगा, बेस्वाद हो जाएगा, तो कभी नहीं पीस के वो पड़ते हैं इसीलिए। तो इस तरह से पीसिएगा मत, डालिएगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो फिर से बोल रहे फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।